अच्छा ही लगता है, पर ये हमेशा जब गाने को प्यार मिलता है अच्छा ही लगता है. ऑल द एफर्ट वी पुट, अगर उसको सब अप्रिशिएट करते हैं तो ऑलवेज इट फील्स गुड. एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही हुआ. वी वर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम इट, क्योंकि गाना ऐसा बना था जब हमने सुना. मैं खुद के गाने रिपीट पे नहीं सुनता हूँ, मैं ये गाना खुद का गाना अब तक रिपीट पे सुनता हूँ. नहीं ऐसा नहीं है, पर चूज़ी तो हूँ सिलेक्ट करके कुछ जो मुझे लगता है कि मुझे होता है कि जो करूँ तो बेस्ट करूँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. मेरे को क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता, बट अभी थोड़ी सी स्पीड मुझे पिक करनी पड़ेगी. सो डू मोर सॉन्ग्स दिस ईयर नेक्स्ट ईयर. अरे सो दैट इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट रील इज दैट कि हम दोनों स्टेप्स कर रहे थे एंड देन व्हेन शी स्टार्ट डूइंग दैट स्टेप तो उनकी लात बहुत जोर से मुझे लगी थी. सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक ओह, तो मैं थोड़ी पीछे हो गई, सबको लगा कि मैं स्टेप भूल गई. अच्छा, नहीं वो मुझे इतनी जोर से लात पड़ी ना, मैंने कहा तुम डांस कर लो, मैं पीछे हो जाती हूं. फर्स्ट सॉन्ग तो है, बट मोर देन फर्स्ट सॉन्ग आई थिंक इट्स व्हाट अ सॉन्ग टू बी अ पार्ट ऑफ, यू नो आई मीन ही इज अ सिंगर, ही इज लेजेंडरी. देन देयर इज बी प्राग, अरविंद सर इज डायरेक्टेड इट एंड देन जानी इज इन द लिरिक्स. आई थिंक आई फील सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दिस ह्यूज एंड अ सॉन्ग ऑफ दिस कैलिबर. सो आई रियली एम जस्ट ग्रेटफुल टू देम फॉर चूजिंग मी एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस. यू आर अमेजिंग इन द सॉन्ग, शी इज अमेजिंग. किसी के साथ कंपटीशन नहीं बढ़ा है? नहीं नहीं, अभी लोग सोचते नहीं हैं, जल्दी जल्दी सॉन्ग बनाने लगे हैं, यू नो एक सॉन्ग रिलीज होता नहीं है कि नेक्स्ट ऑलरेडी प्रिपेयर होता है. आपके माइंड में कुछ इस तरह से चल रहा है? नहीं, मेरा उस वे में है, पहले मैं काम करता था कि मैं एक काम पे बहुत ज़्यादा जोर लगा के पूरा एफर्ट डाल के फिर मैं चिल करता था. अब मेरे को है कि अब मैं थोड़ा काम में ज़्यादा और काम करने का मेरा मन है, सो इसलिए मैं ज़्यादा काम करूँ. थैंक यू. मैं बताता हूँ आपको, फॉर 83 जो मेरी फीलिंग है वो मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और नहीं समझ सकता. आप सिर्फ समझ सकते हो जो मेरे अंदर है वो मैं ही जान सकता हूँ. फॉर 83 इफ मेरी जिंदगी का सपना ही था मैं इंडिया के लिए खेलूँ. आई प्लेड फॉर इंडिया अंडर 19 बट देन गॉट इंजर्ड. दिस इज मैं सोचता हूँ एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड. गॉड मेड मी प्ले क्रिकेट फॉर 9 years टू प्ले अ रोल इन 83 एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन रियल लाइफ एंड वी आर विनिंग द वर्ल्ड कप एंड वी हैव प्लेड इन वी शॉट इन लॉर्ड्स मक्का ऑफ क्रिकेट. तो मेरे लिए जो एक्सपीरियंस है, वी क्राइड, एवरीवन वाज क्राइंग देयर जब हम लॉर्ड्स में शूट कर रहे थे. सो वी एज अ टीम वी हग्ड एंड वी वर क्राइंग. तो इट्स फॉर मी तो इट्स नेक्स्ट लेवल. मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात. लॉर्ड्स में हमने शूट किया, इवन वी वर हैंडेड ओवर द ओरिजिनल वर्ल्ड कप जो 83 में ओरिजिनल वर्ल्ड कप था, हमें वो वहाँ के म्यूजियम में था वो दिया. वो जब हमने पकड़ा, दैट वॉज द मोमेंट व्हेन वी हग्ड ईच अदर एंड वी वर इन टेयर्स एवरीवन. एंड हमें 4 महीने वी वर इन इंग्लैंड 4 महीने शूट करा है. एंड मैंने तो अपनी ज़िंदगी दोबारा जी ली है. जो आई टेल यू वन मोर थिंग, जब मैं क्रिकेट खेलता था हमारे कैंप्स PCA मोहाली में लगते थे. देन मेरे मम डैड सैटरडे को आते थे, मेरे वाइट्स कपड़े लेके जाके मेरे भुआ जी के घर जाते थे, धो के मेरे को दे जाते थे, कुछ खीर बना के लेके आते सब टीम के लिए.
So when I got this film opportunity to do this film, I called my mom that you have to come to Bombay or UK now to wash my clothes because I've been selected in the team. हाँ जी सुपर बॉन्डिंग ईच वन ऑफ अस हर किसी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी. हमने हमें जाने से पहले एक महीने का कैंप करा था 15 दिन बॉम्बे में करा था 18 डेज 12 दिन हमने धर्मशाला में करा था. तो वहाँ जाके ऑफ कैमरा ऑन कैमरा वी आर क्रिकेटर्स एंड अ टीम प्लेइंग प्रॉपर तो वैसी बॉन्डिंग थी. Yes, I do feel very grateful that my mom is always there and she's always present. So I'm very thankful for that. She is a very, very supportive lady. But aaj particularly to mujhe unko bolna pada yaar please aa jao. Meri mummy ko bahut sharam aati when it's like anything related to me. Unko main kya karungi ye tera tumhara kaam hai. To na yaar bachpan se I have like grown up on your sets is like the least you can do. To mere chote bhai ko bhi leke aa gaye and now they're just तो इट्स जस्ट ऐसा नहीं होता. मेरे को लगता है मम्स ओवरवेल्म्ड हो जाती है बच्चे के दर्शन देने में. दैट इज द रीजन आई गेस. हाँ पहले से आई थिंक मैं बचपन से ही सोच रही थी. बचपन से ही एक्चुअली सपने देख रही थी इज अ मोर एक्यूरेट वे ऑफ सेइंग इट. एंड देन थैंकफुली यू नो दिस हैपेंड एंड आई हैड सच अ गुड स्टार्ट विद दीज लवली पीपल. एंड मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिकॉज इफ यू गेट टू नो माई माँ शी वो अपना पूरा करियर छोड़ देंगी इफ दैट मीन्स दैट इट कुड हेल्प मी इवन द स्लाइटेस्ट. इन दैट सेंस तो शी इज़ नॉट इट ऑल. मतलब अगर मैं भी इनसिक्योर हो जाऊँ ना थोड़ी लाइफ लाइक वॉट यू बिलीविंग लाइक दिस लिसन बी कॉन्फिडेंट डू यू थिंक यू डू गुड वर्क देन यू डू इट अदरवाइज इफ यू ओनली डोंट बिलीव इट देन बिलीव इट. सो लाइक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. नाइस वे टू से. आई वाज लाइक श्योर मदर रिलैक्स. I mean, I think even if I wasn't, they've made me one in a million by, you know, putting me in this song. And but yeah, it's a very flattering, you know, it's a very flattering song for a girl, for it to be sung to a girl. So, yeah. Har ki sab apni girlfriend. The title is on her. She's the bijli. She's the central. टू बी ऑनेस्ट जब हमने सोचा था मैंने पीछे जितने गाने करे सब में डांस करा तो मैं इस बार थोड़ा सा था कि डांस कर लिया आप कुछ और करते हैं. वो वेन सो रजित देव एंड रवीना दे हैव डन दिस. पर जब उन्होंने हुक्स्टेप बना के भेजा मैं कहा नहीं यार ये तो बहुत ही बढ़िया है देन वी शुड डू इट. तो फिर हुक्स्टेप देन वी मेड. मॉम के साथ अभी तक सोचा नहीं है पर आई मीन व्हाई नॉट. आई वुड बी ऑनर्ड टू वर्क विथ माय मदर एंड शेयर अ स्क्रीन विथ हर. पर या श्योर इफ समथिंग कम्स अलोंग लाइक दैट व्हाई नॉट. वेल हार्डली देयर हैज आल्सो बीन अ लॉट ऑफ बज़ कि आपने कटरीना और विकी कौशल के परफॉर्म किया है. दिस इज आई वांट टू नो मैं गया था उनको हुक स्टेप सिखाने. मैं गया था हुक स्टेप सिखाने उनको. Basically, I went to Jaipur just for some other function and I was clicked on the airport. तो मेरे को भी आप लोगों से पता लगा कि मैं वहाँ गया था. मेरे को नहीं पता था. और मेरे को ये भी पता लगा कि उन्होंने अपनी शादी का क्लाइमैक्स भी बिजली पे करा. तो ये सब आपसे ही पता लगा मेरे को खुद के बारे में भी. Of course, why not? Sorry. ऑडियंस को तो हमेशा ही नाउ आई टेल यू मेरे को आज से अगर 2 साल पहले की बात करें मैं बहुत इंट्रोवर्ट था. मैं ज़्यादा खुलता नहीं था ऑडियंस के साथ. बट नाउ आफ्टर
द पास्ट टू ईयर्स आई स्टार्टेड टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड मेरे को ऐसा पता लगा कि वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं सारे. नाउ आई एम सो ओपन अप विद देम, ऐसा लग रहा है जाके सबको ऐसे कर लूँ. आपका कुछ आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली फॉर हिम, क्योंकि मैं इतना इंस्पायर होता हूँ उनसे, इतना मोटिवेट होता हूँ द वे ही वर्क्स, द वे उन्होंने हर बंदे के साथ जैसे ही वॉज एंड आई सो मेरे बहुत क्वेश्चन होते हैं मेरे दिमाग में हर चीज़ को लेके. देन मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछता था देन ही बड़े अच्छे से समझाते थे. आई जस्ट लव हिम, आई एम अ फैन ऑफ हिम. The only target that I will say is in my mind is to make my family proud and to just do well by her name, because she's made a very good name for herself, and I wouldn't want to lower that or put any strain to that. You will go miles. If he thinks so, then. Arey, he's just very sweet. You know how he was just talking about Ranveer Singh? That's actually him for me, because that's what he's done on sets for me. So my Punjabi is a little weak. So many things that, you know, they would explain, I wouldn't understand. So he wouldn't even wait for me to ask. He would just read my face. He said, "Unhone aise bola aur fir yahan se ye aaya." I'm like, "Thank you." सर फिल्म कर ली सर 83 कर ली. कुछ होगा, कुछ सीन चून होगा, कभी होगा तो देखेंगे, बट आई एम हैप्पी विद 83 क्योंकि वही इतना कुछ उसमें कर दिया है. तो अब क्रिकेट दोबारा मैं शुरू से एक्टिंग तो पसंद करता ही है, छोटे होते से करनी. मेरे दोस्त कहते थे तू एक्टर है साले. स्पेशल सर बहुत स्पेशल करने पड़े. स्पेशल नहीं, वी शॉट इट इन रशिया और ठंड बहुत ही ज़्यादा थी. मैं -1 और एक बार दो डिग्री था, एक बार एक दिन -1 डिग्री और ऊपर से बारिश. हाँ, और ऊपर से बारिश हो रही थी. मैं फिर भी बचा हुआ था, इनका बुरा हाल था. पर और स्पेशल जो थे दिस वी हुक स्टेप एंड एवरीथिंग, डांस रिहर्सल्स पहले से बॉम्बे से चल रही थी. हर आउटफिट्स, माई आउटफिट्स, एवरी थिंग इवन बैकग्राउंड जो थे उनके, एवरी थिंग स्पेशल. आई वॉज देयर फॉर 15 डेज, शी वॉज देयर फॉर 5 डेज. ये बड़ा पंगा था. हम सोच रहे थे सिंड्रेला रखेंगे, बिजली रखेंगे. एंड दिस इज बाय द वे, आई गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स सो दे सेइंग कि आपने नाम ही गलत रख दिया. मैंने नाम नहीं रखा. फॉर दैट केस मैं, अगर आप ऐसा भी सोचना पड़ता है, सिंड्रेला के नाम पे पहले गाने आए हुए हैं. तो यूनिक, पहले अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते तो पहले और गाने भी. एंड बिजली स्टैंड्स आउट, बिजली सुन के ऐसा लगता है ना, इट हैज टर्न आउट टू बी बिजली. और ये आती है आगे से सुपर वुमन. ये कहते हैं इनके छोटे भाई को अभी भी लगता है इनमें सुपर पावर है. हाँ, वो मुझे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं कर पाती कुछ, तो मैं बोलती सूट में रशिया में भूल गई. अरे उसको सारी लिरिक्स आती हैं, वो सारे ऐसे 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 करके ऐसे गाता है वो. एंड ऑल्सो आई थिंक द सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर विद चिल्ड्रेन, किड्स लव द सॉन्ग. आई थिंक आई हैड मोर किड्स कम अप टू मी एंड टेल मी कि आप यू नो, एंड देन आई विल बी लाइक हाय आई एम पलक, दे विल बी लाइक हां वो नहीं है. They're like sorry Cinderella. They're like, haa, haa, haa. मेरा ब्रदर, यू नो, वो हमारी फैमिली में थोड़ा ऑपोजिट है. वो हमारे सामने बहुत प्यार से परफॉर्म करता है और फिर जैसे ही कैमरा आता है वो ऐसे हो जाता है.
कि पहले बंद करो फिर बात करेंगे. नहीं वो तो चलो वो तो नहीं आई, पर क्योंकि इस बार वाइट्स तो जितने भी थे अब तो कॉस्ट्यूम सारा संभाल रहा था. मैं वो कह रही मैं फिल्म में देखूंगा. देखो ठीक है, आई मीन आई वाज सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई हैव ऑलवेज लाइक रियली लाइक्ड हिज सॉन्ग्स और इनका हर गाना इतना ज़्यादा एडिक्टिव है. एंड आई हैव टू टेल यू लाइक इफ यू लाइक हिम राइट नाउ एज अ सिंगर एंड एज लाइक अ परफॉर्मर इफ यू मीट हिम इट जस्ट ओनली लाइक इट डबल्स ऑनेस्टली. लाइक पहले आई यूज टू ऑलवेज लिसन टू हिज सॉन्ग्स बिकॉज आई मीन हु डजंट लिसन टू हिज सॉन्ग्स बट आफ्टर दैट तो आई थिंक माय एंटायर प्लेलिस्ट इज ओनली हिम. आई एम सो ग्लैड. I mean, one thing that I've seen about the entire Punjabi industry, one thing that I have kind of taken from their team, is that they're all very sweet people and very welcoming people. You know, koi pressure nahi dalte. They're very accommodating and he's been kind, Arvinder sir has been so kind and it's just, it's a very, very sweet set of people to work with. So definitely. So since we are celebrating the of course, yes. एक गुट पानी पी लो बस बिना सोए आए. ओके चन दी कुड़ी बदला दी फैन सारे तेनू बिजली बिजली कैन जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नी तारे भी डर के रहन सिंड्रेला ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंगरू पा के नचाया आ जड़ा काला कज्जल पाया लुधियाना सारा ही पिछे लाया लुधियाना सारा ही पिछे लाया तेरे तक के गोरिए नैन चन दी कुड़ी बदलां दी पैन सर तेनू बिजली बिजली कैन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यस First day, I went for practice in the ground. When they said कि आप ये bowling action कर लोगे, पहले दिन मैं practice करने ground में गया, ground में match चल रहा था, और मैं rope के बाहर आधा घंटा बैठ के सिर्फ ऐसा देखा है मैंने ground को. So it was that for me. Cricket तो मेरे अंदर cricket है, singing तो पता नहीं बाहर कब निकल आई, पर cricket is there. हमारे पंजाबी में कहते हैं cricket प्लास्टिक का कीड़ा है, ना मरता है ना सड़ता है, मतलब प्लास्टिक का कीड़ा है, अंदर ही रहेगा, ना मरेगा ना गलेगा. Nobody has picked up the form of Madan sir so well. He's picked yeah, because I was a fast bowler, it was easy for me to. Oh, yeah. But he's like he's picked up so well. Anything else that you are coming with? We have heard that you are coming with something interesting. We want to know from your side that what is coming. I'm coming up with many interesting things. Which one? Which one? No. The next song I'll tell you. We will drop the next song in January, most probably. That's what I can tell about. Thank you. Sorry? Hey, to dekhna. Thank you guys. Thank you very much. Thank you.